2 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। देहरादून के बाजार गणपति बप्पा की मूर्तियों से सज रहे हैं, तो वहीं मूर्तिकार गणेश भगवान की मूर्तियों को तराश रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि अब मिट्टी के बजाय कलाकार प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बना रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से पानी में गल जाता है जल्दी से, और जो मिट्टी का रहता है वो इतनी जल्दी गलता नहीं है। जो कितने अलग अलग साइज की ये मूर्तियां आप लोग बनाते हो, इसका रेट क्या है, दाम क्या है? हमारे पास 1500 से लेके 2000 तक, 3000 सब ऊपर दाम के, छोटे से लेके 100 रुपए से लेके 2000 तक, 3000 तक, 4000 तक सब है हमारे पास। दरअसल मिट्टी को सांचे में ढालकर मूर्त बनाना और उसे खूबसूरत रंगों से सजाना बड़ी मेहनत का काम है। मिट्टी की मूर्त में समय लगता है, लिहाजा दाम महंगा हो जाता है। कलाकारों की माने तो गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाने का काम काफी पहले शुरू कर दी जाती। 5 महीने पहले स्टार्ट होता काम, 5 महीने से तैयारी हो रही है, मूर्ति काम स्टार्ट हो जाता है 5 महीने, तो 5 महीने लग जाते हैं इनको तैयार होते होते, पूरे 5 महीने लग जाते हैं, पूरी बारिश में ये तैयार हो जाती है। हमारे पास है 1 फीट से लेकर 10 फीट तक मूर्ति। रेट तो देखो सब अलग अलग, जैसा मूर्ति वैसा रेट है, 300 से स्टार्टिंग है, 12000 तक खत्म है। समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रतीक देश के अलग अलग इलाकों में मनाए जाने वाले ये त्योहार अब देश के हर कोने में मनाए जा रहे हैं। ये त्योहार जहाँ कुछ लोगों को खुशी मनाने का मौका देते हैं, तो कुछ को रोजी रोटी।